दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आज हो चुका है 11 अगस्त 2022 गुरुवार। एक बार फिर से हम आपके लिए आज की 5 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑल ओवर इंडिया से आप आवेदन कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को भर सकते हैं। इन सभी भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं और आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। पुलिस विभाग, आईटीबीपी और बिजली विभाग भर्ती के लिए भी आवेदन प्रक्रिया चल रही है। 10वीं 12वीं डिग्री पास के लिए सुनहरा और बड़ा अवसर निकला है। इनमें 3 भर्तियाँ ऐसी भी निकली है जिनके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 5 विभागों के अंतर्गत भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 11 अगस्त 2022 की 5 बड़ी भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में। पंजाब पुलिस विभाग के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। सब इंस्पेक्टर SI की पोस्ट है। 560 टोटल वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। बात अगर यहाँ पर वैकेंसीज की बात की जाए तो यहाँ पर सब इंस्पेक्टर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कैडर के लिए 87 वैकेंसीज है, आम पुलिस कैडर के लिए 97 है, इंटेलिजेंस कैडर के लिए 87, इन्वेस्टिगेशन कैडर के लिए 289 वैकेंसीज निकली है सब इंस्पेक्टर SI पोस्ट के लिए। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन प्रक्रिया इस भर्ती के लिए स्टार्ट हो चुकी है 9 अगस्त 2022 से। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 30 अगस्त 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 30 अगस्त 2022 है। सैलरी डिटेल की अगर यहां पर बात की जाए तो 35,400 से 1,12,400 है लेवल 6 के अंतर्गत। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 28 वर्ष इसके लिए आयु सीमा है। एप्लीकेशन फीस की अगर बात की जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए 1,500 रुपये फीस है। EX सर्विसमैन ESM कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस है। SC ST के लिए यहाँ पर 900 रुपये एप्लीकेशन फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट PMT, फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट PST के आधार पे। अप्लाई आप इस भर्ती के लिए केवल ऑनलाइन कर सकते हो। पंजाब जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। punjabpolice.gov.in ये इसकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर सेकंड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के अंतर्गत भर्ती है। पोस्ट असिस्टेंट कमांडेंट ट्रांसपोर्ट की वैकेंसीज आप कैटेगरी वाइज नोटिफिकेशन की PDF से ही चेक कर सकते हो। बात अगर इम्पोर्टेंट डेट्स की जाए तो आवेदन इसके लिए आज ही से स्टार्ट होंगे। जी हाँ दोस्तों, स्टार्टिंग डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 11 अगस्त 2022 है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 9 सितंबर 2022 है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी 9 सितंबर 2022 है। सैलरी 56,100 से 1,77,500 है लेवल 10 के अंतर्गत। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। बात अगर यहाँ पर आयु सीमा की जाए तो मैक्सिमम 30 वर्ष आयु सीमा है। फी जनरल OBC WH के लिए 400 रुपये है। SC ST एक सर्विसमैन फीमेल को फी जमा नहीं करनी होगी। फीस पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन होगा फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, डॉक्यूमेंटेशन, रिटर्न एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर। अप्लाई आप इस भर्ती के लिए भी ऑनलाइन कर सकते हो। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। ITBPolice.NIC.in और recruitment.ITBPolice.NIC.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर थर्ड नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम NMDC के अंतर्गत ये भर्ती निकली है। ट्रेड अप्रेंटिस की पोस्ट है। 130 वैकेंसीज है। इंटरव्यू की डेट 25 से 30 अगस्त 2022 है। बात अगर सैलरी डिटेल की जाए तो अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग तय की जाएगी। 10वीं 12वीं ITI और BSc से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग आयु सीमा तय की जाएगी।
फीस जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन होगा। ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो। चंडीगढ़ जॉब लोकेशन है nmdc.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर फोर्थ नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड में MPPGCL बिजली भाग के अंतर्गत ये भर्ती है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस टेक्नीशियन अप्रेंटिस की पोस्ट है। वैकेंसीज आप नोटिस से पोस्ट वाइज चेक कर सकते हो। लास्ट डेट अप्लाई करने की 5 सितंबर 2022 है। सैलरी यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 8,000 है। डिग्री या डिप्लोमा इंजीनियरिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। अप्रेंटिस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर आयु सीमा तय की जाएगी। फी जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन होगा। ऑफलाइन तरीके से ही आप आवेदन कर सकते हो। MP जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। mppgcl.mp.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 5 और लास्ट नंबर पर जॉब निकली है वो भर्ती भी MPPGCL यानी कि बिजली भाग में ही निकली है। ITI ट्रेड अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 101 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन करने की 1 सितंबर 2022 है। 7,700 से 8,050 सैलरी है। 10th पास और ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 18 से 25 वर्ष है। फीस आपको जमा नहीं करनी होगी, ना ही एग्जाम देना होगा, मेरिट से चयन किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। मध्य प्रदेश MP जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। mppgcl.mp.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दोस्तों ये थी आज की यानी कि 11 अगस्त 2022 की टॉप 5 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अभी इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। लिंक यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपके मन में अभी इन भर्तियों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और अंत में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।